Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Seher Saleem and I am associated with NOAA's evaluation team. CSS journey के लिए आपकी evaluation या assessment क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि evaluation होती क्या है. तो evaluation उस write-up को, उस essay को, उस pressie को कहते हैं जो students खुद करते हैं फॉर देयर एनालिसिस कि वो कहाँ कहाँ पे लैग करते हैं. और फिर वो NOAA इवेल्युएशन टीम जो 13 मेंबर्स से मुश्तमिल है उनसे चेक करवाते हैं, उनसे इवेल्युएट करवाते हैं, उन्हें पता लगता है कि उनकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और वो कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि इवेल्युएशन या असेसमेंट का स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है. तो सबसे पहले अगर हम उसके फ़ायदे की बात करें तो स्टूडेंट्स को ये पता लगता है कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक्स या गलतियाँ कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस आपने कोई इंग्लिश का राइटअप देखा, लाइक अ सिंगल साइडेड राइटअप, वो आप अपने इवेल्युएटर्स के पास लेके गए हैं. अब उन्होंने आपको बताया है कि इफ़ यू हैव टू वर्क आदर ऑन योर वोकैबुलरी, क्या आपके एक्सप्रेशन में मसला है, या तो आपके लैंग्वेज में मसला है या आपके स्ट्रक्चर में मसला है. तो ये तीन चार बातें जो बहुत अहम होती हैं किसी भी राइटअप को लिखने के लिए, वो आपको इवेल्युएशन से पता लगती है. फिर दूसरे नंबर पर अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो स्टूडेंट्स को ये पता लगता है कि पेपर में जो हमारा कंटेंट है उसे प्रेजेंट कैसे करना है. फॉर इंस्टेंस आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया है लाइक कश्मीर इशू, और अब आप इवेल्युएटर्स के पास लेकर आए हैं कि मेरे पास ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉलेज है, अब मैं इसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करूँगी या कैसे करूँगा. तो आपको ये पता लगता है कि आपने कितनी नंबर ऑफ हेडिंग्स देनी है, आपने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपने उसके अंदर ड्राफ्ट कैसे ऐड करने हैं, एंड वट शुड बी योर कलर ऑफ पेन. तो इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है वो इवेल्युएशन के थ्रू पता लगती है. फिर द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इवेल्युएशन से आपको ये पता लगता है वट टू राइट एंड वट टू नॉट, वट इज आस्क पार्ट एंड वट इज नॉट. स्टूडेंट्स की जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उनको ये इशू होता है कि उनको ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन को कंप्रीहेंड कैसे करना है. एग्जामिनर ने आपसे पेपर में पूछा क्या है, किसी भी एक टॉपिक के कितने पार्ट्स हैं, तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है, आपको ये थ्रू इवेल्युएशन पता लगता है कि एग्जामिनर ने आपसे अगर टॉपिक है कश्मीर इशू, तो उन्होंने आपसे कश्मीर इशू की हिस्ट्री नहीं पूछी, उन्होंने आपसे करंट ट्रेंड्स पूछे. तो पेपर में लिखना क्या है, किस तरीके से जो है वो लिखना है और किस पार्ट को कितना पोर्शन देना है, ये सब आपको इवेल्युएशन से पता लगता है.